हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसमें आपको टाइप करना है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 एस पेपर। आई इस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, जहाँ से आपको ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है यूजी पीजी कोर्सेज के लिए। एंड देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट इंटरेस्ट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईस्ट क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होता है। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतर यहाँ पर क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हर एक प्रोसेस दिया रहता है आपको किस तरह से क्या करना रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, स्टेट, कैंपस, कोर्स एंड देन यहाँ पे मैसेज डाल के आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना रहता है। यहाँ पे दिया गया आई एम नॉट अ रोबोट, देन आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना रहता है। चलिए हम पहले यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे के स्टेप बताएँगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है अपना सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। जैसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे होता है कि आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपका स्टेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, देन आप ब्लड ग्रुप क्या है एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। एंड देन आपके अपने पेरेंट्स नेम और जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।